Welcome students. So we are again going to continue from there. Yesterday we discussed about rightward shift in PPC. Now I am taking an example of leftward shift in PPC. Aaj hum baat kar rahe hain PPC ke leftward shift ki. The first example is natural calamity. Natural calamity leads to devastation of resources and it may kill some human resources also. It means there is a decrease in the resources. This decrease in resources leads to leftward shift in PPC. You can see in the screen, because of decrease in resources, both the resources, I am talking about X as well as Y, the PPC will shift leftward. Resources mein kami ke karan PPC origin ki taraf left ki or shift kar jayega bachcho. कुछ साल पहले तक माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का पोर्शन होता था और इसी से क्वेश्चन एक बोर्ड में आया था बच्चे, वाइड स्प्रेड डैमेज बाय रिवर कोसी इन बिहार, इट्स इंपैक्ट ऑन पीपीसी ऑफ बिहार. क्वेश्चन था बच्चे, कोसी रिवर में कंटिन्यूअसली फ्लड आ रहा है और उसका बिहार के पीपीसी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा. रिवर कोसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉरो ऑफ बिहार, इससे बिहार को बहुत नुकसान होता है बच्चे. तो देखो बेटा, फ्लड इज अनदर एग्जांपल ऑफ नेचुरल कैलामिटी. दिस फ्लड लीड टू डिवास्टेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मे किल ह्यूमन रिसोर्सेज. इट मींस रिसोर्सेज ऑफ बिहार डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ फ्लड बाय रिवर कोसी एंड दिस डिक्रीज इन रिसोर्सेज विल लीड्स टू लेफ्ट टुवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी. पीपीसी विल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट ओरिजिन, वो ओरिजिन की तरफ लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर जाएगा बच्चों. अब मैं एक एग्जांपल आपसे और पूछता हूं ब्रेन ड्रेन के ऊपर. ब्रेन ड्रेन क्या है बच्चों? ब्रेन ड्रेन इज अ फेनोमेनन इन विच पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, बेटर एजुकेशन और बेटर पे पैकेज. भारत के लोगों का विदेश की तरफ माइग्रेट कर जाना अच्छी सैलरी के लिए, अच्छे लाइफ स्टैंडर्ड के लिए, इसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं बच्चे. तो मेरा क्वेश्चन है, ब्रेन ड्रेन का पीपीसी पर क्या असर पड़ेगा? सो अगेन थिंक, व्हेन इट इज अ ब्रेन ड्रेन, इट मींस द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इंडिया मूव टुवर्ड्स सम अदर नेशन. भारत का ह्यूमन रिसोर्स किसी दूसरी कंट्री की तरफ मूव कर जाएगा. दैट विल लीड टू डिक्रीज इन ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. And decrease in resources will lead to lesser productivity. Lesser productivity means the PPC will shift towards left. PPC फिर से left की तरफ shift कर जाएगा. तो मैंने दो तीन positive example लिए बच्चे. पहला example मैंने लिया था जनधन योजना, दूसरा example मैंने लिया था skill India और एक और example मैंने लिया था mission इंद्रधनुष. ये तीनों government की वो policy है जिससे इंडिया में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा. और जब कभी भी रिसोर्सेज से प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, ऐसे केस में पीपीसी विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. और ठीक इसके अपोजिट मैंने दो एग्जांपल लिया, नेचुरल कैलामिटी एंड ब्रेन ड्रेन. इन दोनों सिचुएशन में कंट्री का रिसोर्स कम हो रहा है बच्चे. व्हेन एवर देयर इज अ डिक्रीज इन बोथ द रिसोर्सेज द पीपीसी विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट. तो राइट और लेफ्ट, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों. यहां से मैं दो एग्जाम्पल आपको रोटेशन के ऊपर समझाता हूं बच्चे, कि किस सिचुएशन में ये ग्राफ शिफ्ट नहीं बनकर रोटेशन हो जाएगा. फार्मर हैज वन एकर ऑफ लैंड, एक किसान के पास एक एकड़ लैंड है बच्चे, और किसी पर्टिकुलर ईयर में मॉनसून अच्छा नहीं होता है. किसान की खेती मेनली इरिगेशन फैसिलिटी और वो मॉनसून पे डिपेंडेंट है, और किसी पर्टिकुलर ईयर में
बारिश अच्छे से नहीं होती है, इसका इंपैक्ट पीपीसी पर क्या पड़ेगा? इन दिस सिचुएशन द लैंड साइज 1 acre रिमेन सेम, दैट्स वाई वाई विच इज लैंड इट इज कॉन्स्टेंट. नाउ आई एम डिस्कसिंग देर इज ए पुअर मॉनसून, इट मीन्स लेस रेन, क्रॉप नॉट प्रॉपरली इरिगेटेड, क्रॉप को इरिगेशन फैसिलिटी ठीक से नहीं मिल पाई है. द सेम लैंड विल प्रोड्यूस लेसर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, उस लैंड से प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा बच्चे, और हम रोटेट कर जाएंगे टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. अब ध्यान दोगे बच्चे, लेसर मॉनसून, पुअर मॉनसून, इट मीन्स लेस रेन, लेस रेन मीन्स इरिगेशन कम्स डाउन एंड द प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द क्रॉप फील्ड विल डिक्रीज. एंड सम टाइम इफ इट इज गुड क्वालिटी ऑफ रेन द क्रॉप फील्ड गेट प्रॉपरली इरिगेटेड, द सेम फील्ड विल गिव हायर प्रोडक्टिविटी, उसी खेत से उत्पादन बढ़ जाएगा बच्चे, और ऐसे केस में पीपीसी राइट की तरफ चला जाएगा. इन माई दिस एग्जाम्पल द लैंड साइज रिमेन्स द कॉन्स्टेंट, लैंड का साइज कॉन्स्टेंट है बच्चे, और अच्छे इरिगेशन के कारण, अच्छे मॉनसून के कारण प्रोडक्शन बढ़ सकता है तो हम राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, और खराब मानसून के कारण हम लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे. इस तरह से आप वाई के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, और उस केस में आपको एक्स रिसोर्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा. एक करंट सिनेरियो से मैं क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे. अभी पूरा वर्ल्ड इफेक्टेड है COVID-19 से, तो मेरा क्वेश्चन बच्चे आप लोगों से है कि COVID-19 का इंडिया के पीपीसी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा. एक हॉट क्वेश्चन जो करंट इकोनॉमिक सिनेरियो से मैं जोड़ पा रहा हूं बच्चे, और मैं आपको एक मिनट का वक्त देता हूं. मेरा क्वेश्चन है COVID-19, इसका इंडियन पीपीसी पर क्या इंपैक्ट पड़ने जा रहा है. मैं चाहूंगा कोई बच्चे लाइव कर रहे हो तो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर दें, मैं उनको अप्रिशिएट कर पाऊं, नहीं तो मैं कंटिन्यू करूंगा और उसके बाद मैं इस पूरे क्लास में आपको इस चैप्टर की समरी देने वाला हूं, क्योंकि आज सेशन 5 इंट्रोडक्शन का लास्ट क्लास है बच्चे, और हमने क्या क्या पढ़ा मैं आपको एक बार शॉर्ट में फिर बताऊंगा, और कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा. इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेने के बाद इस चैप्टर के 4 marks आप अपने एग्जाम में कभी भी ला सकते हैं. सो anyone who like to give the answer impact of COVID-19 on PPC. कुछ बच्चों को मैं देख पा रहा हूं, रीना, लक्ष्मी, विशाल, मौली, अंकिता, ये सब बच्चे लाइव देख रहे हैं. तो अगर इनमें से कोई आंसर देना चाहे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप क्लास में इंटरेक्ट कर पा रहे हो मेरे से. सर, वी हैव रिसीव्ड एन आंसर फ्रॉम करिश्मा शर्मा. शी इज सेइंग सर पीपीसी विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग. ओके करिश्मा, आप ये कहना चाहते हो बच्चे कि पीपीसी डाउनवर्ड स्लोप कर जाएगा, यानी ए से बी की तरफ चला जाएगा. बेटा आप देखो हो क्या रहा है, यू आर 90% करेक्ट. कंट्री में जो रिसोर्स पहले प्रोडक्शन में हम लगा रहे थे, अब उस रिसोर्स को हम शिफ्ट कर दे रहे हैं लोगों के ऊपर. तो क्या बेटा जब मैं ये रिसोर्स को शिफ्ट कर रहा हूं
तो प्रोडक्शन हो पा रहा है, मेरा क्वेश्चन है। इसलिए मैंने कहा ऑलमोस्ट यू आर क्लोज टू द आंसर बट नॉट 100%। क्या हुआ बच्चे, आप ध्यान दो, जो रिसोर्सेस पहले कंट्री में प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज किया जा रहा था वो सभी प्रोडक्शन एक्टिविटी टाइम बीइंग के लिए लॉकडाउन के कारण बंद हो गया है। पहले ये 21 डेज था, अब ये 40 डेज है। इसका मतलब कंट्री का जीडीपी गिर रहा है बच्चे। द वर्ड जीडीपी दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th और 10th, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। कंट्री में इतना श्योर है बच्चे, लॉकडाउन के कारण प्रोडक्शन कम हो गया है बच्चे। अगर आप आज का न्यूज़पेपर ही देखते हो तो कंट्री का जीडीपी आईएमएफ ने 1.9 प्रेडिक्ट किया है और पूरे वर्ल्ड के लिए -3% है। जिस कंट्री का जीडीपी 5.2%, 4.8% और 5% के आसपास होता था बच्चे, सेम कंट्री 40 दिन लॉकडाउन जाने के बाद अब आईएमएफ वर्ल्ड की बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यह कह रही है कि भारत का जीडीपी 1.9% होगा। इट मींस डेफिनेटली देयर इज ए लेसर प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी एंड लेसर प्रोडक्शन मींस द रिसोर्सेज दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज शिफ्टेड टुवर्ड्स सम अदर। दिस शिफ्ट विल लीड टू मूवमेंट, दैट्स व्हाई द आंसर इज पार्शियली करेक्ट, बट द एग्जैक्ट आंसर इज द प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी विल कम डाउन। एंड द पीपीसी विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, इसके कारण पीपीसी लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। ए से बी हम तब मूव करते हैं बच्चे जब हम किसी चीज का प्रोडक्शन कम करके किसी और दूसरे अपॉर्चुनिटी की तलाश में दूसरे सामान का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। जो आपने आंसर दिया था बेटा ए से बी की आप बात कर रहे थे बच्चे, तो देखो ए में क्या था, 2 यूनिट ऑफ x एंड 4 यूनिट ऑफ y, और बी पे आकर क्या हो गया बच्चे, बी पर आकर ये चेंज हो गया बेटा, ध्यान से देखो, बी पर आते ही बेटा ये आपने y की यूनिट कम कर दी है और x की यूनिट आपने बढ़ा दी है, तो अब 4-2 हो गया है। इट मींस यू आर टेकिंग रिसोर्सेस फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी एंड यूजिंग दिस रिसोर्सेस इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी। इन सच सिचुएशन देयर इज अ मूवमेंट अलोंग पीपीसी, बट इन माय केस द रिसोर्सेस विच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी इज नाउ यूज्ड एज ए ट्रांसफर पेमेंट। अब उस पैसे को हम गरीब को खाना खिलाने के लिए दे रहे हैं बच्चे, हम उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी क्या किया है, जितनी भी वृद्धा महिलाएं थी, ओल्ड एज फीमेल और दिव्यांग, फिजिकली हैंडीकैप, उनको ट्रांसफर पेमेंट कर दिया गया है, बिना किसी काम के उन्हें पैसा दे दिया गया है। इट मीन्स दिस मनी इज नॉट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। अल्टीमेटली द इकोनॉमी प्रोडक्शन हैज टू कम डाउन, जिसके कारण इकोनॉमी में प्रोडक्शन गिरेगा। इसी का इम्पैक्ट न्यूज़पेपर का हेडलाइंस दे रहा है बच्चे, द आईएमएफ प्रेडिक्टेड द जीडीपी फॉर इंडिया इज 1.9 एंड फॉर वर्ल्ड इट इज -3। ऐसा क्यों, वर्ल्ड की इकोनॉमी और भी टंबल होगी बच्चे। रीजन बिहाइंड दैट, जो डेवलप्ड कंट्रीज है बच्चे वहां सर्विसेज ज्यादा है, और आप देखो इस लॉकडाउन में हुआ क्या है, मैं अपना बाल नहीं कटवा पा रहा हूं, मैं ब्यूटी पार्लर नहीं जा पाता हूं। इसका मतलब है बच्चे कि सर्विसेज देश में कम यूज हो रहा है, लेकिन खाना तो हम खा ही रहे बच्चे। अगर आप देखोगे 20 अप्रैल के बाद क्या होगा कंट्री में, एग्रीकल्चर में थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिल जाएगी, फसल के कटने का टाइम आ गया है। इसका मतलब इंडिया एग्रीडियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम अफेक्टेड होगा। इसका सबसे ज्यादा गहरा इंपैक्ट सर्विस सेक्टर पे पड़ रहा है बच्चे, और वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादातर सर्विस सेक्टर से अपना जीडीपी बनाते हैं। इसी कारण से जीडीपी ऑफ डेवलप्ड कंट्री ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट हो रहा है, और जीडीपी ऑफ कंट्री लाइक इंडिया, डेवलपिंग कंट्री, इसका असर पड़ेगा जरूर, लेकिन वो असर बच्चे थोड़ा नेग्लिजिबल होगा इन कंपेरिजन टू डेवलप्ड इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो बच्चे ये मेरा एक अपना थॉट क्वेश्चन था बच्चे, जो किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी भी बुक पब्लिश होनी थी वो हो गई है, और ये क्वेश्चन अब अगर आएगा भी बच्चे तो अगले साल के बुक में आ सकता है। तो ये मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया था करंट इकोनॉमिक सिनेरियो को आपके लाइफ से दिखाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। इकोनॉमिक्स बच्चे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अपने रोज की जिंदगी से जोड़ो। द मोमेंट यू स्टार्ट कनेक्टिंग इट विथ योर डे टू डे लाइफ, आपका इस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट बढ़ जाएगा।
And the moment you have interest towards a particular subject, the concepts of the subject become easier and easier. जैसे ही कोई सब्जेक्ट आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा बच्चे, वो सब्जेक्ट आपको आसान लगने लगेगा और आप उसके साथ समय बिताना शुरू कर देंगे. और जैसे आप समय बिताएंगे, आप इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा करेंगे. मैं एक सर्वे पढ़ रहा था बच्चे कि वर्ल्ड के 2-3 पॉपुलर सब्जेक्ट में अब इकोनॉमिक्स ने अपना स्थान बना लिया है. और ये 2-3 सब्जेक्ट है, एक्चुअरियल साइंस, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स. बहुत हाई डिमांड में है बच्चे. इस सब्जेक्ट ने धीरे धीरे अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ा दी है और ये लाइफ के हर स्फीयर में यूज होता है बच्चे. अगर आप देखोगे तो मदर से अच्छी इकोनॉमिस्ट कोई भी नहीं है. यहां जाकर आपका चैप्टर बच्चे कंप्लीट होता है. आने वाला 15 से 20 मिनट मैं आपको इस चैप्टर के समरी देना स्टार्ट करूंगा टर्म बाय टर्म. और उसके बाद हम जब नेक्स्ट सेशन कल से मिलेंगे तो हम आपके बुक का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे बच्चे. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ाना शुरू करेंगे. अब जो मैं समरी दे रहा हूं बच्चे, सर देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम आई थिंक सो अनदर टीचर केवीएस आरओ दिल्ली लाइफ सीनियर सेकेंडरी. सर व्हाट इज अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस? थैंक यू सर. आई एम रेडी टू गिव यू द आंसर रिगार्डिंग अटेनेबल कॉम्बिनेशन एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन. मेरे पास 30 रुपीज है जिससे मुझे एक्स और वाई बनाना है. एक्स 10 रुपए का है और वाई 5 रुपए का है. अगर मैं एक कॉम्बिनेशन बनाता हूं 2 यूनिट ऑफ एक्स एंड 2 यूनिट ऑफ वाई, मैं अपने सारे रिसोर्स यूज कर लेता हूं. इसे हम कहते हैं ऑप्टिमम. ऐसे केस में पीपीसी अपने लाइन पर लाई करेगा और हम किसी इस पॉइंट पर होंगे. मैं एक नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनाता हूं 1-4, ये भी पीपीसी के ऊपर लाई करेगा. इन दोनों को हम ऑप्टिमम कहेंगे. अब मैं एक पॉइंट अंदर लेकर आता हूं सी, और इस केस में मैं 2 और 0 चुनता हूं. मेरे 2 जीरो चुनने से मेरे 20 रुपए ही खर्च होंगे. ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है, लेकिन ये भी अटेनेबल है. क्यों? क्योंकि आप अपने रिसोर्स के अंदर से ही सामान बना रहे हो. और अब मैं एक लास्ट कॉम्बिनेशन चुनकर आपको दिखाता हूं, पॉइंट डी 4-0. 4-0 मीन्स पॉइंट डी 40. स्टार्ट में हमने अजम्पशन माना था रिसोर्सेस आर लिमिटेड. इसका मतलब 30 रुपए के अंदर से हम 40 रुपए का सामान नहीं बना सकते हैं. सो पॉइंट डी इज नॉट फिजिबल, इट इज अनअटेनेबल. इन द रिसोर्सेस ऑफ 30 रुपीज प्रोड्यूसर कैन नॉट प्रोड्यूस कॉम्बिनेशन डी. फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन डी ही वॉन्ट 40 रुपीज. सो पॉइंट डी इज अनअटेनेबल. ए बी एंड सी इज अटेनेबल. आउट ऑफ ए बी सी, ए एंड बी इज ऑप्टिमम और एफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, एंड पॉइंट सी इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. एनी वन हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क. सो राइट स्टूडेंट्स, फ्रॉम हेयर आई एम मूविंग टूवर्ड्स समरी ऑफ दिस चैप्टर दैट व्हाट ऑल वी डिस्कस्ड इन लास्ट 4 क्लासेस. अब बच्चों मैं इस चैप्टर को समराइज करने जा रहा हूं और इस चैप्टर के बाद आपको इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए. अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने में कैपेबल हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से आ गया है. द चैप्टर नेम इज इंट्रोडक्शन एंड द वेटेज इज 4 मार्क्स, 1+3. इस चैप्टर का वेटेज 4 नंबर है. 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा और 1 क्वेश्चन 3 नंबर के लिए आएगा. फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज इकोनॉमी. और जब मैंने इकोनॉमी की बात की थी, इकोनॉमी की डेफिनेशन,
It is a system which is spread over an area that provides people means to earn their living. And the four activities that take place in an economy are production, consumption, investment, and distributions. These are the four economic activities that take place in an economy. So first topic is economy. 1 marks mein question aa sakta hai bachche. MCQ ka question yahan se frame ho sakta hai. Main ye teen aur ek kuch naya option de dunga aapko aur bolunga which among these are not the economic activity. In mein se kaun sa economic activity nahi hai. The second topic that we discussed is scarcity. Scarcity means the situation where demand exceeds supply. It is limitation of supply in relation to demand. Two examples that I discussed was scarcity of electricity and water in summer season. The next topic is economic problem, and the another name is problem of choice. What is problem of choice? Problem of choice, the reason behind problem of choice is scarcity of resources. That is, resources are limited. The second, wants of human being, which is unlimited. Human wants are unlimited. Resources are limited. So, resources are also having alternative uses. You have to prioritize the resources in such a way the most important need fulfill first and then it follows. Bacche, the reason for problem of choice is human wants are unlimited, resources are limited or scarce, and resources are having alternative uses. After that we discussed micro versus macro. Yahan se bacche ye question 3 marks mein aa sakta hai. और बाकी जो भी क्वेश्चन मैंने आपके स्क्रीन पर शेयर किया है वो सभी 1 मार्कर में है. तो एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स में भी और 1 मार्क्स में भी. 1 मार्क्स में केवल डेफिनेशन और एग्जाम्पल आ जाएगा, 3 मार्क्स में आएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. आपको मिनिमम 3 से 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे बच्चे. पहला पॉइंट डेफिनेशन होगा. इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है. व्हेन इकोनॉमी इज स्टडीड एट एग्रीगेट लेवल और एज अ होल, जब आप इकोनॉमी का अध्ययन बड़े पैमाने पर करते हैं उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्कोप इज लिमिटेड, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्कोप इज वाइड. द एग्जाम्पल इज डिमांड, सप्लाई, इंडिविजुअल इनकम. एंड इन केस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स द एग्जाम्पल्स आर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम. व्हेन वी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो वेरिएबल्स आर केप्ट कॉन्स्टेंट. हम जब कभी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं मैक्रो वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हैं. मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं बच्चे इस चीज का. मैं एक क्लास में पढ़ा रहा हूं. जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं क्या चाहता हूं, सभी बच्चे मेरी बात को सुने. इट मींस मैं मैक्रो टीचिंग कर रहा हूं. उस समय मैं एक इंडिविजुअल बच्चे को शोर करते वक्त स्टॉप करता हूं, प्रिवेंट करता हूं. आई एम टीचिंग एट मैक्रो लेवल, so I don't want to get disturbed from micro element. While we study macroeconomics, micro variables are kept constant. जब मैं अपना टॉपिक खत्म कर देता हूं अब बच्चे की इंडिविजुअल डाउट आती है. क्लास मैक्रो है, एक बच्चा माइक्रो है. जब मैं माइक्रो को बता रहा हूं, जब मैं उस बच्चे के क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, मैं क्या चाहूंगा, बाकी क्लासेस को सुने और इससे कुछ सीखे. तो जब मैं माइक्रो टीचिंग कर रहा हूं, आई एम टीचिंग only one student of the class. At that time I wish the other students of the class remain silent and listen to the discussion. So when we study microeconomics, macro variables are kept constant, and it's just opposite when we study macroeconomics, micro variables are kept constant. After that we discuss about positive and normative economics. The portion of economics which actually solves the economic problem, how the economic problem
actually solved is called positive economics. It is based on facts. It is not suggestive. In other way, it is opinion. Normative economics is opinion and suggestive in nature. What ought to be? किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अगर n सॉल्यूशन निकलते हैं और हम n सॉल्यूशंस को पढ़ते होते हैं बच्चे, तो वो पोर्शन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पोर्शन कहलाता है. और अगर किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी का एक ही सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, उस केस में हम लोग उसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहेंगे. मेरे हाथ में ये मार्कर है बच्चे, और मैं इसको गिराता हूं तो देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है. ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है. एनीथिंग व्हिच इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट will attracted towards center of earth. ये सच्चाई है बच्चे कि जब भी आप किसी चीज को गिराओगे वो नीचे की तरफ जाएगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है बच्चे. लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का मेनी सॉल्यूशन निकलता है, जैसे एग्जांपल है आसमान में क्लाउड है, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये सिचुएशनल हो गया, ये इंडिविजुअल का ओपिनियन हो गया कि इस बादल को देखकर मैं गेस कर रहा हूं कि बारिश होगी और मेरा कोई फ्रेंड गेस कर रहा है कि बारिश नहीं होगी. इस तरह का केस हम लोग नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में लेकर चलते हैं बच्चे. उसके बाद हमने इस चैप्टर में पढ़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इट इज वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन. आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, आप उनमें से किसी एक को चुनते हैं. उसको चुनते वक्त आप रिमेनिंग ऑप्शंस को फॉरगो कर देते हो, छोड़ देते हो. दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. द डेफिनेशन सेज इट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन. मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं बच्चों. मेरे पास दो ऑप्शन है, ए एजेंट बनने का मेरी सैलरी 35,000, बी बैंकर बनने का और मेरी सैलरी 40,000. ऐसे केस में जब मैं कहता हूं मैं एजेंट बनता हूं और मेरी सैलरी 35,000 है, मैं बैंकर बनता हूं मेरी सैलरी 40,000 है, और मैं डिसाइड करता हूं कि आई विल वर्क एज ए एजेंट, मैं एजेंट के रूप में काम करूंगा, तो इस केस में मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 40,000 होगा. द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन. आई फॉरगोन द अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज ए बैंकर एंड डिसाइडेड टू वर्क एज एन एजेंट. So this concept is called opportunity cost. 3 minutes. And the last topic, two topics that we discussed was central problem of economics. It is three: what to produce, how to produce, and for whom to produce. Every economy has common central problem. The first is what to produce, which has two aspects: which type of goods, consumer goods or capital goods, and that goods in what quantity, is called what to produce. The second one is how to produce. How to produce means choice of technique, selection of technique of production, which is labor intensive and capital intensive. And the third one is for whom to produce, either you are producing for rich or for poor, personal distribution and functional distribution. In personal distribution, national income is distributed among rich and poor, and in functional distribution, factors of production were paid for that. For land, we are getting rent, for labor, wage, for interest, capital, and for entrepreneur, we are getting profit. And the last topic, that is PPC, production possibility curve, its two property. It is concave to origin because of increase in MRT. It is downward sloping because resources are scarce. Producer cannot increase production of both the goods simultaneously. To increase the production of one good, he has to take out resources from production of other good. These two properties. And then last but not least, application based question on PPC. In application based question, the question comes on rightward shift, leftward shift, and on rotation. So these are the topic that we must aware of once we go through the chapter. This is enough for this topic. Now from tomorrow I'm going to start a new unit, consumer
इक्विलिब्रियम। बच्चों आपका होमवर्क है जो 6 और 8 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 4, 7 और 8 आपको 60 to 80 वर्ड्स में तैयार करना है 3 मार्क क्वेश्चन के लिए, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको 1 मार्क के लिए है, 1st, 2nd, then 5th, 6th, ये सभी क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए तैयार करने हैं। थैंक्स फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।